हमारा हज़रत के तमाम व्यूअर्स को आप खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर ऑफ पंजाब जहांगीर का नाना साहब, इन्होंने विजिट किया है रमज़ान सस्ता बाजार का। इसे दरियाफ्त करते हैं कि यहाँ पे आपने कैसा देखा है जी रमज़ान सस्ता बाजार लगा हुआ है, तो आप यहाँ आपने विजिट किया है, अशिया को चेक किया है, तो क्या महसूस करते हैं किस तरह का रमज़ान बाजार यहाँ पे जो है इंतजामिया ने लगाया हुआ है? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जिन्होंने 9 अरब रुपए की सब्सिडी दी है इस रमज़ान में। कल मैंने सियालकोट के रमज़ान बाज़ार विज़िट किए और आज अपने गांव का रमज़ान बाज़ार में विज़िट कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना, मैंने लोगों से बात की है और लोग भी बड़े मुतमईन हैं कि इधर मयार जो है फ्रूट का, सब्जियों का, वो भी अच्छा है और कीमतें भी हैं जो कि बाहर मार्केट से जो है ना काफ़ी कम है। तो हमारी पूरी ये कोशिश है कि इस रमज़ान बाज़ार में हम आवाम को फैसिलिटेट करें ताकि उनको इश्यूज ना आए प्राइसेस में। तहसीलदार साहब से मेरी अभी बात हुई है, मैं कहा जो बाहर हमारे जो वेंडर्स हैं फ्रूट वाले हैं उनकी प्राइस मॉनिटरिंग आप चेक करें, इधर जो है ना हमारे इधर आप टीम भेजें जो कि जो प्राइस चेक करें और रिपोर्ट दें ताकि हमें पता हो कि जो है ना, ये नहीं कि हम इधर आएँ और वो एक प्राइस दे रहे हो और जब हम चले जाएँ तो प्राइस और हो, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने इकदाम जारी कर दिए कि प्राइस मॉनिटरिंग जो है ना, मुझे डेली इस पर रिपोर्ट आनी चाहिए कि भाई किस चीज़ की क्या प्राइस है, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस जो 23-24 रोजे रह गए इसमें हम इस मयार को बरकरार रख सकें और जो हमारे आवाम है इनके लिए जो यहाँ आते हैं, जो शॉपिंग करते हैं, ये सिर्फ एक शॉपिंग नहीं बल्कि ये हमारी शॉपिंग इंजॉय करें। अच्छा, एक और सवाल, मीडिया के जरिए पता चला है कि बहुत ज़्यादा ग्रांट जो है आपने तहसील हज़रों के लिए सीएम से मंजूर करवाई, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं मशहूर हूँ जिसमें पंजाब का, ये मेरे ख्याल में उनकी मोहब्बतों का एक और सबूत है कि उन्होंने तहसील हज़रों के लिए इतनी बड़ी ग्रांट मंजूर की है और इंशाल्लाह ये तरक्की का सफ़र इंशाल्लाह चलता रहेगा और ये अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह आगे इससे भी बढ़ के दिन ग्रांट। और दूसरे कल से सवाल गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जंगेज खान साहब ग्रुप की तरफ से आया है कि हज़रों को जो है उन्होंने मोहनजोदड़ों के साथ जो है तशबीह दी है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो साइड जो है वो कह रही है कि हज़रों मोहनजोदड़ों बन गया है और आप जो है आपने बहुत ज़्यादा फंड रेस किया, उस ऊपर आप क्या कहेंगे? उन्होंने अगर मोहनजोदड़ो कह दिए तो उनको मोहनजोदड़ो लग रहा होगा। ये मेरे ख्याल में कि जितनी तरक्की हज़रों छज में हुई है पूरी तहसील में नहीं हुई। आप हज़रों को जाके किसी और शहर से आप कंपेयर कर लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बावजूद भी अगर वो कह रहे हैं मोहनजोदड़ो है तो वो उसकी अपनी सोच है, अपनी जहन है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जी मिनिस्टर साहब, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है और ज़्यादातर बच्चे जो है पिछले 3-4 सालों से ये नहर के ऊपर नहाने के लिए जाते हैं, हालांकि पाबंदी लगी हुई है और आए दिन जो है कोई ना कोई वहाँ पे हादसा होता है, तो आप इस बारे में क्या इकदाम आपने उठाए या आप क्या कहेंगे कि ये जो ज़्यादा लोग बच्चे जो है नहाने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है वो डूब जाते हैं? मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक हादसे होते हैं इधर जो है ना, हमने तो अखबारों में भी किए हैं, हम तो वालदैन को भी कहते हैं कि यार आप अपने बच्चों पर नज़र रखिए कि वो इस तरफ ना जाए, बट बच्चे जो है ना वो इस उम्र में जो ये उम्र होती है 15 से लेकर 22 साल तक ये बादशाही उम्र होती है, इसमें जो है तो वो बच्चे परवाह भी नहीं करते, इसके लिए हम इकदाम ले रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है, इसमें हम जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जब ये बन जाएगा तो नहर का रश जो है ना इधर डाइवर्ट हो जाएगा तो हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, बट ये सबसे भी हमने मिलकर जो है ना एक नॉलेज एक स्प्रेड करनी है कि भाई ये जो लेक है, ये जो गाजी बरोदा है, ये जानलेवा जो है ना कनाल है और इसमें हमसे ज़्यादा मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज वालदैन की बनती है, इधर जो रहने वाले हैं उनकी बनती है ताकि वो बच्चों को समझाए कि उस तरफ रोकना होता है। और सर आपने कोई इकदाम जारी किए हैं सचिव साहब को, DSP साहब को या DPO साहब से कोई मुकाबला हुई है क्योंकि अभी तक 20-22 रोजे बाकी हैं, इसमें जो है ये कंट्रोल किया जाए और ये कीमती जाने जो ज़ाया हो रही है, रात को भी एक जो है वो नौजवान डूबा है? नहीं, बिल्कुल मेरी बात हुई है, मेरी DC साहब से बात हुई है, AC साहब को भी मैं कहूँगा, मैं कहीं जो है ना SHO इनको भी कह दूँगा, DC साहब से मेरी इस मदद बात हुई है, उनको मैंने कहा, मैं कहा इस पर आप जो है ना एकदम अपनी मॉनिटरिंग इसको सख्त करें ताकि जो है ना हम कम से कम बच्चे जो है ना उनकी जान जाया हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।